बलरामपुर थाना हरैया क्षेत्र अंतर्गत गुगौली कला के नई बाजार में शुक्रवार 7 जुलाई को शाम करीब 9 बजे मोहम्मद आरिफ गुड्डू धुनिया पुत्र अब्दुल मोगनी उर्फ टिहुर के शौचालय सेफ्टी टैंक में छुपाकर रखा गया विस्फोटक पदार्थ अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गुड्डू अपने पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो गया था। शनिवार सुबह पुलिस सहित कई टीमों ने जांच शुरू कर दी थी। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी थी। गुड्डू के खिलाफ 124/23 धारा 3/5 मुकदमा दर्ज कर तलाश के दौरान मंगलवार 11 जुलाई को आखिरकार अभियुक्त इकबाल पुत्र मोहम्मद आरिफ उर्फ गुड्डू कला थाना हरैया जनपद बलरामपुर पुलिस टीम SO अखिलेश मिश्रा महिला कांस्टेबल मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर के हरैया थाना क्षेत्र में एक गांव है गगौली कला, इसमें 7 तारीख की रात्रि को एक विस्फोट हुआ था, जिसमें तत्काल थाना पुलिस के द्वारा मौके पर अटेंड किया गया था। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। इसमें तत्काल निरीक्षण के पश्चात सुसंगत अधिनियम में, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये जो अपराधी है आरिफ उर्फ गुड्डू के विरुद्ध, इसमें तत्काल टीमें लगाई गई थी इसकी गिरफ्तारी के लिए। इसको गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे प्रकरण में इसके अलावा 4 और व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो अन्य लोग हैं, एक इसका पुत्र है इकबाल, दूसरा फतेह मोहम्मद उर्फ फतेह है, तीसरा अजमेर है और चौथी नूरजहां जो इसकी पत्नी है। इसमें घटनाक्रम कुछ इस तरीके से है कि 2 साल पहले जो अजमेर है इससे इसने 1.5 किलो जो पटाखे में बारूद यूज़ होता है वो इसने ख़रीदा था। उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो गंधक है सल्फर और दूसरा सोरा है जो पोटाशियम नाइट्रेट है। ये मिक्स करके अजमेर ने इसको दिया था, गुड्डू को दिया था। इसके बाद इसने एकाध बार प्रयोग किया शिकार करने के लिए, परंतु उसके कुछ समय बाद ही जो अजमेर है उसकी इसी प्रकरण में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में ही गिरफ्तारी हुई थी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।